हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। नई एल्टीग्रेड 8500 शिक्षक भर्ती और 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, जिससे संबंधित आज बड़ा धरना प्रदर्शन था। और इस प्रदर्शन के बाद यहां पर एक लेटर देखने को मिला और इस लेटर में पूरी अपडेट दी गई है। आप देखिए, ये जो लेटर है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एनलगढ़ प्रयागराज को दिया गया। और यहाँ पर 6 सूत्री मांगे रखी गई, जिसमें सबसे बड़ी मांग रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सभाओं में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों के नए विज्ञापन की चर्चा की है, इसलिए चयन बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र हैं वो उनके हित में रहेगा। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी मांग रही, जो पुरानी भर्तियां हैं उनके अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिए जाए और जो भी चयनित छात्र हैं उनको नियुक्ति दी जाए। साथ में 2016 एवं 2021 की जो प्रतीक्षा सूची है समस्त विषयों की, वो जल्द से जल्द जारी की जाए। चौथी मांग है 2016 प्रवक्ता कला का जो अंतिम परिणाम है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। साथ में पांचवी जो मांग है, 2016 में ऐसे चयनित छात्र जिनकी नियुक्ति किन्हीं कारणवश से रुकी हुई है उनका जल्द से जल्द समायोजन करवाया जाए। वहीं पर 2013 प्रधानाचार्य का साक्षात्कार भी अतिशीघ्र करवाया जाए। 15 नवंबर को यह लेटर दिया गया है, विक्की खान सर के माध्यम से यह घोषणा की गई है और बताया गया है कि जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाए। इन सभी प्रयासों से जल्द ही एक निर्णय देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में दिसंबर महीने तक नई एल्टीग्रेड की शिक्षक भर्ती और नई टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसकी आधिकारिक घोषणा आपको सबसे पहले चैनल देगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।